हेलो वीवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रे माई सेल्फ सोनम जैन और आज हम बात करेंगे उद्यमिता विकास यानी कि हमारा इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे बीए बीकॉम बीएससी कॉम बी होम साइंस इन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बी एस फर्स्ट ईयर में हैं अभी आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा कि पेपर किस टाइप से आएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पेपर आएगा सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिर आएगा आपका लघुतरी और फिर आएगा आपका यानी कि थ्री सेक्शन आएंगे और जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर टू एंड हाफ मार्क्स तो यानी कि ढाई नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे साथ ही साथ जो हमारा सेक्शन बी होगा यानी कि लघुतरी प्रश्न वो होंगे आपके वन एंड हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा यानी कि सेवन एंड हाफ यानी कि साढ़े सात नंबर का आपका सेक्शन बी होगा देन हम थर्ड बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की तो वो होंगे आपके फिफ्टीन मार्क्स के यानी कि फाइव इंटू थ्री यानी कि हर क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा जो होंगे आपके दीर्घुत्री प्रश्न और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर होगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का देन जो हमारे प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर कितने का होगा आपका थर्टी का और साथ ही साथ में क्या आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है या आप पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए आपको टेंशन हो रही है तो डोंट वरी एंड रिलैक्सड हो जाइए टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं है आप सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन कीजिए तो आप अच्छे नंबर से यानी कि फर्स्ट डिविजन ईजिली पास हो जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब हम बात कर लेते हैं हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर की और उसमें चलते सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट उद्यमिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए उद्यमिता क्या है उद्यमिता का महत्व लिखिए उद्यमिता की विशेषताएं लिखिए एवं इसके प्रकार लिखिए एक अच्छे उद्यमी के गुण लिखिए लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया क्या है लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा से आप क्या समझते हैं समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए नव प्रवर्तक उद्यमी किसे कहते हैं और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा नहीं हैं आप हर यूनिट में से कम से कम सात से आठ क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं केवल और केवल अगर आप यही क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो भी आप वन एंड हंड्रेड परसेंट पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से इन्हें फर्स्ट डिवीजन और बट आपने तैयारी कर ली है बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो भी आप एक बार ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा और ये चैनल आपकी हेल्प के लिए ही है और इसके अलावा आपको कोई अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं ओके तो चलिए आप चलते हैं हम सेकंड यूनिट पर परियोजना प्रतिवेदन की विशेषताएं लिखिए गुणवत्ता प्रबंधन क्या है उपभोक्ता प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उत्पादन प्रबंधन से क्या आशय है उत्पादन प्रबंधन का महत्व बताइए सामग्री प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए व्यावसायिक संगठन का प्रारूप बताइए विपिन प्रबंधन क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए संगठन का स्वरूप समझाते हुए व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को समझाइए निम्न पर टिप्पणी लिखिए पैकेजिंग परियोजना प्रतिवेदन की आवश्यकता है अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर थर्ड और थर्ड को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसे डिसलाइक कर दें साथ ही साथ में एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि तो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं इतना क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ये क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं चार सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए इट मीन्स आपका बी ए बी कॉम बीएससी एंड बी एच सी स्टूडेंट्स के लिए है तो जैसे जैसे पेपर होता जाएगा जिस जिस सब्जेक्ट का तो वैसे वैसे मैं आपको पेपर अवेलेबल करवाऊंगी यहाँ पर तो आप वो क्वेश्चन माइनस करके बचे हुए क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जैसे कल ही हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम है पेपर देने में थोड़ा लेट तो हो गया है बट फिर भी आप तो पढ़ ही चुके होंगे तो एक बार इन क्वेश्चन को रीड कर लीजिए ओके अब हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए दीनदयाल रोजगार योजना पर टिप्पणी लिखिए भारत में महिला उद्यमी की प्रमुख समस्याए सॉरी समस्याओं का वर्णन कीजिए प्रेरणा एवं अनुदान से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है रोजगार से आप क्या समझते हैं मध्य प्रदेश की कोई दो स्वरोजगार योजनाओं का नाम लिखिए जिला उद्योग केंद्र की विशेषताएं लिखिए उद्यमिता हेतु नियम संस्थाओं की भूमिका समझाइए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना समझाइए मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग का संक्षिप्त परिचय देते हुए आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम की योजना का वर्णन कीजिए बैंक क्या है इसके कार्य लिखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और उसका रीजन ये क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ में न्यू क्वेश्चन पेपर जो हाल ही में होते जाते हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग साथ ही साथ में सिलेबस और साथ ही पढ़ाई संबंधी सभी प्रकार की जानकारी अवेलेबल है इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब uh, कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप बी ए बी कॉम बी एस सी या बी एच सी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फ्यूचरेट चैनल है यानी कि आप अभी बी एस सी बी ए बी कॉम या आपका बी एस सी फर्स्ट ईयर में है आप सेकेंड ईयर में भी जाएंगे देन आप थर्ड ईयर में भी जाएंगे तो हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर सिलेबस एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट ओके और साथ ही साथ में अगर आप कोई मास्टर कोर्स भी करते हैं जैसे एम ए एम कॉम एमएससी तो भी उनकी भी सब सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल रहेगी ओनली ऑन सुपर केमिस्ट्री ट्रेक पर इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ओके okay. और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पहले से बने हुए हैं ना तो थैंक यू सो मच और आप लोगों के लिए और गुड इंफॉर्मेशन ये भी है यहाँ पर क्योंकि कुछ समय बाद में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी तक तो सिर्फ वो सिर्फ क्वेश्चन ही आते थे अब तो मॉडल विथ सोल्व क्वेश्चन पेपर आने लगेंगे तो आपको साथ ही साथ में समझाया भी जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके विथ आंसर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई है कि हमें प्लीज आंसर भी बताएं तो अब से मॉडल क्वेश्चन के साथ-साथ में आंसर भी होगा यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन यानी कि वो उसके उत्तर हल के साथ में आएगा ठीक है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज जब आपकी एग्जाम हो जाए तब आप मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें मुझे जरूर बताएं कि क्वेश्चन आए या ना आए कितने परसेंट आए अगर आपको अच्छा फील होता है इट मीन्स अगर आपके क्वेश्चन आते हैं कितने परसेंट आते हैं तो आप मुझे बताएं नहीं आते हैं तो भी आप मुझे बताए यानी कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो जैसा भी है प्लीज आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा उसका रीजन ये ताकि जब भी मैं नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाऊ या कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो उसमें उन बातों का ध्यान रख सकू इसलिए आप फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें ओके अब चलते हैं हम हमारी यूनिट नंबर फोर्थ लागत एवं मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं आर्थिक लेखा जोखा से क्या आशय है कार्यशील पूंजी क्या है बही खाते क्या है लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य समझाते हुए इसके महत्व लिखिए बैंक क्या है इसके प्रकार व कार्यों को लिखिए लेखांकन से आप क्या समझते हैं निम्न को समझाइए मूल्य निर्धारण कीमत नीति। नंबर की समस्या से आप क्या समझते हैं इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है उद्यमी को पूंजी समस्या का सामना करना पड़ता है व्याख्या कीजिए भारत में महिला उ... उद्यमी की समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिला उद्योग केंद्र में पंजीयन की विधि क्या है उद्यमी की आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं को समझाइए नेक्स्ट जोखिम प्रबंधन समस्या क्या है विपिन प्रबंधन की समस्या बताइए कार्यशील पूंजी क्या है उद्यमिता विकास में अनुसूचित बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका समझाइए उद्यमी की प्रशासनिक समस्याएं बताइए और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं इट इटमीन्स आप सागर रीवा भोपाल बीएचएसयू यहां से है और अगर सिलेबस सेम मैच होता है तो आप समझ ये समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेंगे और साथ ही साथ में अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं वहां मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका ओनली ऑन वन सोल्यूशन मिलेगा सुपर केमिस्ट्री ट्रिक पे then thank you watching for my video and all the best for exam thank you